हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रीति। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज होली दहन, तो आज होली दहन है और होली दहन के लिए मैं तैयार हो चुकी थी। लेकिन होली दहन का मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर होली दहन नहीं होगा, नहीं करवा, इस बार नहीं हो रहा है। हर साल होता है, बट इस साल अभी कोविड का बहुत ज़्यादा ही हो गया है, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो कैंसिल हो गया है। सबने मना कर दिए, होली नहीं खेलेंगे। ये था, नीचे जाके सब लोग होली खेलते हैं, सो होली नहीं खेलेंगे, ऐसा था। होली दहन का नहीं पता था कि होली दहन भी नहीं होगा, बट होली दहन भी नहीं हो रहा है, सो कोई नहीं, घर में कर लेंगे। वैसे भी गांव में मम्मी लोग, मम्मी पापा वगैरह सब तो करते ही हैं, तो हम लोग घर में ही कर लेंगे यहाँ पर। और आज के दिन हम लोगों के यहाँ इसमें पान बड़े की सब्जी बनती है, पूड़ी बनती है, कंजी पपड़ी, ये सब बनती है, तो मैंने भी बनाई हूँ। सो आप लोगों को मैं पान बड़ी की सब्जी बताऊँगी कैसे बनाते हैं, कैसे, किस टाइप से मैंने बनाई, किस तरीके से मैंने बनाई हूँ, ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, फिर बाद में सब्जी वगैरह मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कैसे बनाना है। सो चलिए चलते हैं। तो पूजा हो गई ख़त्म। यहाँ पर पहली बार मैंने, जब मैं पहली बार यहाँ मुंबई में आई थी, पहली बार मैंने होली ये की। जब हम लोग होली दहन करने गए थे, तो यहाँ पहली बार मैंने देखी कि यहाँ पर नारियल होली के इसमें डालते हैं, जब हम अग्नि जलाते हैं तब वहाँ पर डालते हैं, और बताते वगैरह ये सब डालते हैं। हम लोगों के वहाँ पर, हम लोग तो जाते भी नहीं थे, पापा चाचा वगैरह ही जाते थे हमेशा, ऐसा ही हुआ। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा जाने का मिला मुझे, और मैंने ये सब की। तो नारियल डाल देते हैं, नारियल जलने के बाद जब पूरा जल जाता है, उसके बाद फिर नारियल लाते हैं, आधा नारियल वहाँ छोड़ते हैं, आधा नारियल लाते हैं, और सबको उसकी प्रसाद देते हैं। ये मैंने पहली बार देखी थी, मुझे 4 साल हो गए अब यहाँ पर आई हूँ। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस बार चलो यहाँ पर हमने घर में ही मैंने ये करी, गाँव में तो करना ही है। सो चलिए अब मैं आप लोगों को रेसिपी बताती हूँ बड़े की। सो होली स्पेशल में आज मैं बना रही हूँ पान बड़े की सब्जी। पान बड़े की आप लोगों ने तो सुने ही होंगे, तो मैं यहाँ उड़द दाल के पान बड़े बना रही हूँ। और एक प्रकार से इसमें उड़द दाल के, इसमें चने की दाल मिक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं उड़द दाल के बनाऊँगी क्योंकि सबको यही पसंद है। सो यहाँ पर मैंने उड़द दाल को भिगोने रख दी थी मॉर्निंग में ही, तो ये अच्छे से भीग चुकी है। अब इसका पूरा पानी मैं निकाल लूँगी, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखूँगी, और मिक्सी में मैं अच्छे से इसे पीस लूँगी। ज़रूरत पड़ेगी तो ही पानी डालूँगी, इसमें पानी नहीं डाले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा गिल्ली हो जाती है, फिर जब हम बड़े बनाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। इसलिए इसमें ऐसा, मतलब कोशिश करना कि पानी इसमें ना ही डाले और अच्छे से पीसा जाए। तो चलिए मैं भी करती हूँ वैसा ही, मैं इसमें इसका पानी पूरा छाट लेती हूँ और मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। ओके, फिर मिलते हैं। सो इसे मैंने देखो अच्छे से पीस ली हूँ, अच्छे से ये करी हूँ, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाली। अब इसे मैं ढाक के अभी रख दूंगी। अब इसके लिए मैं अच्छे से मसाला तैयार कर दूंगी, तो अभी इसे हम ढाक देते हैं अच्छे से, इसे साइड में कर देते हैं, और अब मसाला तैयार करेंगे, मसाला पीस लेंगे अब। तो मसाले मसाले की अब तैयारी कर ले। तो मसाले के लिए यहाँ पर मैंने एक प्याज ले ली हूँ, एक बड़ा प्याज ली थी, कुछ लहसुन ले ली हूँ, 3 हरी मिर्च ली थी, आधी मैंने अदरक ले ली हूँ, हरा धनिया, कड़ी पत्ते को नहीं पीसना है, टमाटर को बाद में पीसेंगे, तो एक बड़ा और एक छोटा ली हूँ मैंने। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लेना आप जैसे बना रहे हो, तो मैंने ये ले ली हूँ। अब इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। इसमें आप तेज पत्ता, गोंदरा वगैरह ये सब मसाले का डाल सकते हो, मेरे पास गरम मसाला है तो मैं ये सब नहीं डालूंगी, बाद में गरम मसाला डालूंगी। तो इसे अच्छे से कर लेते हैं, इसमें जीरा भी डालूंगी मैं अभी। अब इसमें मैं थोड़ा जीरा डाल देती हूँ, तो इसमें जीरा डाल देते हैं, और थोड़ा सा जीरा डालती हूँ 1 चम्मच, और थोड़ा
खड़ा धनिया डालेंगे, सूखा वाला जो रहता है ये थोड़ा सा डाल देते हैं, और इसे अच्छे से आप पीस लेते हैं। और ये मसाला पीस के तैयार हो गया है, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिख रहा है। ओके, तो ये पीस के तैयार रखी हूँ मैंने। बाद में टमाटर ये करूँगी, जब मैं इसे फ्राई करूँगी उसके बाद टमाटर मैं पीस लूँगी। तो इसे अभी रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर अब मैं ये जो हमने पीसे थे दाल, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिर्ची हल्दी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसको भी हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो देखिए मैं हल्दी बहुत ही कम ले रही हूँ, आधा चम्मच से भी कम ले रही हूँ। लाल मिर्च भी बहुत कम ले रही हूँ, आधा चम्मच से कम ले रही हूँ। और नमक भी आधा चम्मच से कम लेना है क्योंकि अभी हम फ्राई करेंगे तो उसमें सब डालना ही है। तो देख लीजिए आधा चम्मच से कम डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा जीरा भी डाल देती हूँ। आप अपने हिसाब से डालिएगा, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ, जीरा नहीं भी डाले तो चलता है। तो इसे अच्छे से मिला देते हैं हम। बच्चों की आवाज भी आ रही होगी आप लोगों को। तो देखिए ये अच्छे से मिला दी हूँ मैंने, अब हम सब्जी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने रख दी थी, ऑयल गरम हो गया है तो अब हम कड़ी पत्ते डाल देंगे थोड़े से, और अब इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने ये पीस के रखा था। ऑयल आप अपने हिसाब से डालना, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहा तो मैंने हल्का सा ज़्यादा डाली हूँ। ग्रेवी वाली में तेल हल्का सा ज़्यादा रहा तो अच्छी लगती है। तो इसे थोड़ा रेडी होने देते हैं ब्राउनी, उसके बाद फिर हम टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर अभी अब मैं पीस लेती हूँ। तो मसाला थोड़ा रेडी हो गया है, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे जो हमने पीसे थे, डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। इसे 2 मिनट के लिए होने देंगे, उसके बाद फिर हम पूरे मसाले डाल देंगे। इसे 2 मिनट के लिए होने देते हैं, फिर मसाला डाल देंगे पूरे हम। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं, 2 मिनट हो गए हैं, इसमें मसाले डाल देंगे। यहाँ मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च, आधा चम्मच डाल रही हूँ हल्दी, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, घर का बना हुआ, क्योंकि मैंने इस मसाले में तेज पत्ते वगैरह नहीं डाली थी, जो गरम मसाले के जो सामान रहती है। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच डाल रही हूँ गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे अच्छे से मिला देते हैं।
अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। यहाँ मैं एक लोटा डाल रही हूँ पानी, उससे भी ज़्यादा डालूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पानी सोख लेगा। अब इसे हम ढक के रख देंगे, इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। उसके बाद फिर हमने जो पेस्ट बना के रखे हैं वो फिर हम इसमें डाल देंगे बड़े बना के। तो इसे मैं ढक देती हूँ। सो फ्रेंड, इसमें अच्छे से बॉईल आ गए हैं, देख सकते हो अच्छे से उबाल आ रही है। अब इसमें हम ये डाल देंगे बना के, वड़े बना के डाल देंगे। सो थोड़ा सा पानी का हाथ लगाना है और इसके बहुत पतले पतले बनाना है, मोटे मत बनाना, मोटे बनाने से टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा ये थोड़ा, फिर भी इसमें ऐसा लग रहा है कि, तो ये ऐसा करके डाल देंगे हम। एक दो तो गंद खराब होंगे ही। सो ऐसे बड़े बना के हम इसमें डालते जाएंगे और हाथ में पानी लगाते जाना, नहीं तो ये अच्छे से बनते नहीं है। और जितने ज़्यादा पतले बनाओगे उतने अच्छे टेस्ट आता है, तो ट्राई करना कि अच्छे पतले बने। वैसे ये मम्मी लोगों के हाथ से बहुत अच्छे से बनते हैं। ऐसे ही करके पूरे बना के मैं डाल दूंगी और बिल्कुल कम गैस में इसे अच्छे से पकाना है। सो फ्रेंड, ये मैंने पूरे डाल दी हूँ ये वड़े। अब इसे हम 20 मिनट के लिए कम गैस में अच्छे से पकने देंगे, कम गैस कर देते हैं। सो मैंने कम गैस कर दी हूँ, 20 मिनट पकने देते हैं। सो फ्रेंड, अब हम चेक कर लेते हैं बन गई क्या। ये बन गई है, बहुत अच्छे तरीके से बन गई क्योंकि ऑयल पूरा ऊपर आ गया है। ये देखिए, इसे मैंने आधा घंटा पकाने रखी है, आधा घंटे तक ये हुआ है, ये अच्छे से पक गई है। अब इसे हम बंद कर देंगे। सो फ्रेंड, ये देखिए बहुत ही यमी यमी सब्जी भी बनके तैयार है, पूरी भी बनके तैयार है और कंजी पापड़ी भी बनके तैयार है। होली में ये खाने का मजा ही अलग रहता है, गर्मा गर्म पूरी के साथ ये खाने का मजा अलग रहता है। एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। और आप लोगों को दिखाती हूँ, फ्रेंड खाना तैयार है और हम लोग भी खाने के लिए तैयार है। अब हम लोग खाना खाएंगे। क्या हो गया बेटा? तो फ्रेंड, हम लोग खाना खाते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। आप मेरे वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और आप मेरे चैनल में जाके भी देख सकते हैं, फेस पैक बहुत से मिलेंगे, हेयर टिप्स मिलेगी आप लोगों को। सो फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग होली कैसे खेलेंगे आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए, बाय बाय।